जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं, संसार के ऐश और आराम गिराने वाले हैं, सबसे बढ़कर उत्तम कार्य करना चाहिए। कलयुग में सबसे उत्तम कार्य भजन को माना गया है। यदि वह निष्काम भाव से किया जाए तो बहुत उत्तम है कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गन विमल, भव तर बिन ही प्रयास। इसलिए हर समय भगवान का भजन ही करना चाहिए। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम के जप से नामी याद आता है और नामी की स्मृति से काम बनता है। एक क्षण में यानी अंत में स्मरण करने से कल्याण हो जाता है। फिर एक नाम से कल्याण हो जाए इसकी बात ही क्या है। एक पुरुष अपनी पूरी संपत्ति को यज्ञ दान आदि में खर्च करके समाप्त कर चुका और दूसरे ने अंतकाल में भगवान का स्मरण किया, उससे वह अंतकाल में भगवान का स्मरण करने वाला बहुत ही उत्तम है। क्योंकि जिसने दान आदि किया है वह पुण्य क्षीण होने पर फिर संसार में आता है। जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोग भोगते हैं और वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आने जाने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य कम होने से वापस मृत्यु लोक में आते हैं। अंत समय में यानी प्राण जाने के समय जो एक बार प्रेम से भगवान को प्रणाम कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले के बराबर है। 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला तो वापस आता है पर भगवान को नमस्कार करने वाला नहीं लौटता। आपका ध्यान करता हुआ पुरुष भी वापस नहीं आता। फिर मैं तो आपका दर्शन कर रहा हूँ यह बात बाली जी ने कही। बाली रामायण में कहता है, मुनि लोग अनेक प्रकार के यज्ञ दान आदि करते हैं पर आत्मा का उद्धार नहीं होता। अंत में राम कहकर जो जाते हैं वे फिर लौटते नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबही सब गति अविनाशी। मन लोचन गोचर सोयावा, बहुरी की प्रभु अस बने ही बनावा। मुनि लोग अनेक यत्न करते हैं, बिना भक्ति के किया हुआ कर्म वापस आने वाला होता है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस मौके को खोएगा। बाली ने यही कहा, महाराज आपके दर्शन के बाद भी क्या मैं पापी रहा? भगवान के एक नाम का त्रिलोकी के राज्य के लिए भी सौदा नहीं करना चाहिए। त्रिलोकी का राज्य उसके सामने तुच्छ है। वह भी मूढ़ है जो उसके बदले त्रिलोकी का राज्य लेता है। प्रभु के नाम के मुकाबले त्रिलोकी का मूल्य कुछ नहीं है। भगवान गीता जी में कहते हैं, जो मुझको जान लेता है वह फिर सब प्रकार से मुझे ही भजता है जो यह कहता है कि कितना भजन करने से भगवान मिलते हैं, ऐसा कहने वाला भक्त नहीं। भक्त तो यही कहता है कि मैं तो रात दिन भजन ही करता हूँ। जो भजन से छुट्टी चाहता है उसे भगवान की कृपा नहीं मिलती। जो प्रभु को हृदय में बसाना चाहता है उस पर भगवान की कृपा होती है। हे प्रभु, हमारा आप में अनन्य प्रेम हो, प्रेम नहीं तो आपका चिंतन ही हो।
अतः हमको चलते फिरते प्रभु का चिंतन करना चाहिए। भगवान के स्मरण के लिए नाम सहायक है, अतः कम से कम 24 घंटे में लिए जाने वाले 21,600 सांस से ही माला के हिसाब से नाम जप करना चाहिए। 14 माला कम से कम, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र में हम 16 बार भगवान का नाम लेते हैं। हरे भगवान का नाम है, राम भगवान का नाम है, हरे भगवान का नाम है, फिर राम भगवान का नाम है, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे 8 बार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे 8 बार। तो ये 8-8 करके 16 नाम। जब हम पूरा मंत्र बोलते हैं, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये हमने 16 बार भगवान का नाम लिया। इस तरीके से ये 14 मालाएं जब हम कर लेते हैं तो 21,600 श्वास से ही माला के हिसाब से नाम जप हो जाता है। 14 माला करने से 21,600 हमारे श्वास बराबर हो जाते हैं। इसके लिए विचार करना चाहिए और आज से ही माला फेरनी चालू कर देनी चाहिए। कई लोग पूछते हैं हरे राम पहले बोलें या हरे कृष्ण पहले बोलें, तो ये आपकी मर्जी है। चैतन्य महाप्रभु ने ये हरे कृष्ण से शुरू किया है। यहाँ सेठ जी कह रहे हैं कि हरे राम से शुरू आप कैसे भी कर सकते हैं, ये भगवान नाम है। इस भूमि में, आगे सेठ जी कहते हैं कि ऋषिकेश की इस भूमि में जो साधन भजन करता है उसका महान फल होता है। यहाँ दान पात्र के अनुसार दुखियों को, अनाथों को दान देना चाहिए। यज्ञों में सबसे बढ़कर जप यज्ञ है, इसलिए जप करना चाहिए। महात्माओं का सत्कार, शास्त्र का अध्ययन, रात दिन उत्तम कार्य करते रहना चाहिए। जो अपने समय को व्यर्थ बिताएगा उसे बाद में पछताना पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। मनुष्य का शरीर और ऐसी तीर्थ भूमि, उसमें भी भगवत चर्चा ऐसा मौका लगने पर भी यदि कल्याण नहीं होगा तो वह निंदा का पात्र, मंद बुद्धि आत्महत्यारा है। यह सब ख्याल करके अपने समय को एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। समय का सबसे उत्तम उपयोग यही है कि भगवान को हर समय याद रखना। जय श्री राधे।